नमः शिवाय। हर हर महादेव आप सभी भक्तों को। आशा करती हूँ आप सभी भक्त अच्छे व स्वस्थ होंगे। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। मित्रों, आज की इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव से कनेक्ट कैसे करें। आज की यह वीडियो बहुत ही भाग्यशाली शिव भक्तों में से किसी एक शिव भक्त के लिए है। जो भी शिव भक्त इस वीडियो को देख या सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप महादेव के सबसे प्यारे शिव भक्तों में से एक हैं। तभी इस वीडियो को महादेव जी ने आपको चुनने के लिए कहा है। इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह बात आप समझ गए, तो स्वयं भगवान शिव ही मेरे द्वारा अपनी सभी बातों को आपसे कह रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी रात के 2 बज रहे हैं। आज मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है। वैसे तो मैं डेली काफ़ी लेट सोती हूँ, लेकिन आज मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है। मैं बेड पर लेटे लेटे सोच रही हूँ कि मेरी न्यू वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, जो अभी तक किसी ने भी इन बातों को आपसे शेयर ना किया हो। और तभी हल्की सी मेरे कानों में आवाज़ आती है कि बेटी, अभी तक तुमने मेरे बारे में इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ बताया है, पर तुम मेरे इस संदेश को भी अपनी आवाज़ के ज़रिए मेरे प्यारे शिव भक्तों को मेरा ये संदेश अवश्य दे देना। बेटी, मेरे शिव भक्त बहुत भोले व सरल हैं। वह मुझे खोजने का मार्ग हर जगह तलाश रहे हैं। वह मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी खोज में पूजा कर रहे हैं और मेरे मंदिर आकर उपाय कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मुझे बता रहे हैं। मेरे भक्त बहुत परेशान हैं, वह निरंतर मुझे खोजने का मार्ग तलाश रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझ गई कि महादेव जी ही स्वयं मुझसे बोल रहे हैं कि मैं उनकी सारी बातों को आपके सामने लाऊं। और तभी आज रात मुझे नींद नहीं आ रही है। महादेव जी ही ये सारी बातें मेरे दिमाग में भेज रहे हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी कही बातों को आपके सामने अपनी आवाज़ में बोलूं। और तभी इतनी रात में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूं। फ्रेंड्स, हम लोग सालों से मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ, बहुत सारे उपाय, मंत्र जाप, क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का सारा भी लेते हैं, ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और पूरा करें। लेकिन अनेक सालों के बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, जबकि कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन हमारी नहीं सुन रहा है। ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? क्यों महादेव जी आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, इसलिए आप सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, नहीं तो आप इस वीडियो की महत्वपूर्ण बातों को मिस कर देंगे। महादेव से कनेक्ट होने का पहला तरीका, महादेव का नाम जप करें। यह सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अधिक से अधिक बार डेली महादेव महादेव, शिव शिव, भोलेनाथ भोलेनाथ, जो भी नाम आपको उनका अधिक प्रिय लगता हो, उसका आज से अधिक बार जाप करना शुरू कर दें। अपने दिन की शुरुआत महादेव नाम से ही करें। फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है, सिर्फ महादेव ही हैं जो हर नियम से परे हैं। तो हम कौन होते हैं महादेव की भक्ति में नियम बनाने वाले? फ्रेंड्स, आप लोग खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, हर समय महादेव महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव नाम का जप कर सकते हैं। नाम जप के लिए कोई भी बंधन नहीं है। यह है पहला स्टेप महादेव जी से कनेक्ट होने का। अगर आप इसे आज से ही करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ही महीनों के अंदर आप महादेव जी से कनेक्ट होने लगते हैं। दूसरा तरीका, अपने मन की बात को महादेव जी तक कैसे पहुँचाएँ। आपको भगवान से बात करनी बड़ी ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं, दीदी हमने बहुत उपाय किए, व्रत किए, हम डेली शिव जी के मंदिर भी जाते थे, वहाँ पर सब उपाय करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, पर अब हम अपने जीवन से निराश हो गए, महादेव जी से हमारा भरोसा ही उठ गया। ऐसा बहुत से लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि जब से हमने महादेव जी की पूजा शुरू की है, तब से हमारे जीवन में कष्ट और अधिक मिलने लगे। और यहाँ तक कि मेरे जान पहचान वाले लोग भी मुझसे ये बात कहते हैं कि कहीं कोई भगवान भगवान नहीं है, सब मेहनत का खेल है। हमने सभी उपाय करके देख लिए, पर महादेव जी ने हमारी एक नहीं सुनी। क्या यही बात आपके मन में भी आती है?
आखिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? क्या महादेव जी हमसे नाराज हो गए हैं? ऐसे लोगों से मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, आप अभी तक महादेव जी से कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं, तभी आप ऐसा कह रहे हैं। महादेव जी तक अपने मन की सभी बातें पहुँचाने के लिए आपका भगवान से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भगवान से कभी बात ही नहीं करेंगे तो शायद ही भगवान आपकी सुने। फ्रेंड्स, यही वो दूसरा तरीका है महादेव जी से कनेक्ट होने का। आप डेली महादेव से बात करें, अपने बारे में उन्हें सब बताएं। मैं भी डेली महादेव जी से बातें करती हूँ। फ्रेंड्स, ये बात मुझे किसी ने भी नहीं बताई और शायद ही कोई आपको बताए कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सारे उपाय व्रत कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी भगवान से बात ही नहीं की है तो शायद ही वो आपकी सुने। आप महादेव से बात करेंगे डेली, तभी तो वह आपको जानेंगे कि आप कौन हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, हम सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन वह आपकी नहीं सुन रहे हैं। दूसरे लोगों की सभी विशेष को पूरा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अभी तक महादेव जी से अपना संपर्क ही नहीं बना पाए और शायद इसीलिए वह आपकी नहीं सुन रही हैं। आप महादेव से अभी तक कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं, यही कारण है बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक बार महादेव जी से कनेक्ट हो जाएंगे, आप उनसे अपना संपर्क बना लेंगे, तो आपको किसी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मन की सारी बातें महादेव जी तक पहुँचेंगी और वह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। बस आपको डेली महादेव जी से बात करनी है, अपने लाइफ की गोल्स, ड्रीम्स, जॉब के बारे में बात करनी है। जो भी अच्छी बुरी बातें हैं, आप परेशान हैं, आप खुश हैं, आप बीमार हैं या फिर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, सब कुछ महादेव जी से ही शेयर करना है। ऐसा आपको एक या दो दिन या कुछ महीनों तक नहीं करना है, ऐसा आपको डेली अपनी हैबिट में लाना है कि मुझे सुबह और शाम महादेव जी से बात करनी है, बाबा को अपने पूरे दिन का हाल सुनाना है। अगर आपने महादेव जी से बात करनी शुरू कर दी तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाबा आपकी सारी बातें सुनेंगे। जब आप उन्हें बताएंगे तभी तो वे आपको जानेंगे कि ये बच्चा मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसे मुझ पर पूरा विश्वास है, तभी ये मुझसे बातें करता है। महादेव जी आपके सच्चे भाव के भूखे हैं। जब आप अपनी बातों को महादेव को बताते हैं तभी वह आपकी सुनते हैं, इसलिए भगवान से बात करनी बड़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी भक्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे शिव जी के परिवार के सदस्य अवश्य बने। साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो किसी शिव भक्त को यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है महादेव की भक्ति का प्रचार प्रसार करना और अधिक से अधिक शिव भक्तों को जोड़ना, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव, हर घर महादेव। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल आप सभी भक्तों को।